फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह जो मेरा दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग आज मैं पहले कॉलेज आ रहा हूँ और कॉलेज में कुछ खास होने वाला है तो आपको कॉलेज जाकर दिखाते हैं। बन रही है ब्लॉग के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और तो अभी बैग भी ले लिया और अभी चलते हैं। तो अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना यहाँ पर क्या पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बड़े वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। यहाँ से कॉलेज जैसे मैं चल के जाता हूँ तो जाते जाते मैं पसीने से कई बार तो गीला ही हो जाता हूँ पूरा। तो वैसे ही शाम को जब वापस आता बुरा हाल है गर्मी की वजह से ना। वेलकम टू आर कॉलेज। तो नोटिस बोर्ड पे अपना नाम चेक कर लेते हैं यार, कहीं अपना नाम तो नहीं कट गया, कहीं स्टक ऑफ किया हो तो ऐसे है नहीं बीए वाला। चलते हैं आपको म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। तो मेन एंट्री गेट से सीधा जो आगे जाके ब्लॉक आता है वो म्यूज़िक डिपार्टमेंट का है, दूसरा ब्लॉक। और साथ में हमारे साथ है हर्ष चौधरी साहब। हाँ जी सर, चौधरी और कितना बढ़िया है। तुम सुनाओ कौन सी बात है, बढ़िया बढ़िया। तू सुना निशांत पाजी और क्या नाम है हनी। और ये सामने रूसा ब्लॉक और ऊपर डिपार्टमेंट है म्यूजिक डिपार्टमेंट, बहुत संगीत के बने हैं ना बाजी। तो यहाँ से स्टेप है और सीधा आगे और यहाँ से स्टेप इधर रेलिंग है आ जा। तो क्या है कि यार ये आँखों से ब्लाइंड है, मतलब कि आँखों से ब्लाइंड होता है वैसे तो, लेकिन दोनों जो ब्रदर है वो ब्लाइंड है। संगीत विभाग में आपका स्वागत है। ओह बस आ जाए सीधे और सामने है ऑफिस। शूज़ उतार के फिर चलते हैं आगे। तो चलो सर ना तेन प्यार करदियाँ दिल टुटनों डरदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी से मिलवा देते हैं। तो ये मनदीप और उसको तो आप जानते ही, अंकुश, ये कोमल, हर्ष, निशांत एंड हनी शहद वाला। ये आ गया गिटार एक और, सभी का गिटार लेके आने का प्लान था तो बोल रहे थे कि ऐसे महफिल वगैरह लगाएंगे। तो कल भी यहाँ पर बैठे थे तो ऐसे बस गाने वगैरह गा रहे थे, तो प्री लेक्चर था तो यहाँ पर गाने गा रहे थे तो बढ़िया लगा। तो मैं सोचा कि चलो कल गिटार लेके आते हैं और थोड़ा बहुत मनोरंजन करेंगे अपना। जी भाई जान प्यार सताएगा गाने वालों ने तो गा लिया लेकिन कैमरामैन तो नहीं किया, तो मिलिए मुझसे कैमरामैन नीरज चौधरी के साथ। फिर ही वेट कर रहे हैं मेरा सर, तो बिजी थे आज तो इसलिए लेक्चर नहीं लगा, अभी तो लेक्चर फ्री था इसलिए अभी जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सभी लेक्चर लगवाने बड़ा ही है। तू देखी गाओ, चलो शुरू। बिगड़ गई है ना दरबारी का। हाँ दरबारी है, हाँ दरबारी भी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, चलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये
दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। शराबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। फाइनली अभी महफिल हो गई खत्म, फिर कभी लगाएंगे। तो गाइस अभी लेक्चर सभी लगे, हल्के ज़्यादा नहीं लगे, एक दो लेक्चर ही लगे, और बाकी यहाँ पर बैठे अभी कुछ देर से गाना बजाना कर रहे थे, और एक दो लेक्चर लगने थे वो लग गए अभी। तो अभी फिलहाल कह रहे हैं कि दूसरे रूम में जाके अभी वहाँ पर कुछ अपना रंगमंच मनोरंजन वगैरह करेंगे, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं घर जाऊँ। तो दो बच्चों के अभी, और सोच रहा हूँ यार घर जाना बेटर रहेगा, लेकिन का कुछ प्लान ऐसे ही बदलता रहता है। फिर 5-10 मिनट और रुकूंगा और फिर घर चलेंगे यार, वैसे धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी सभी यार रिपेयरिंग चल रही है इधर, देख सकते हो आप सभी इधर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो क्या किया हुआ है ना इधर। अभी अंदर चलते हैं इधर। तो इधर यार इधर रूम में जाने वाले थे पहले, लेकिन अभी उधर लेक्चर लगा हुआ है। मैंने लिखा था अभी अंदर तो जगह मिली नहीं कहीं बैठने के लिए, तो अभी जाने घर को वापस। तो मेरी मन की मुराद पूरी होगी घर जाने की, अभी खाना खाऊंगा। हमने सोचा था कि हम घर जाके खाना खाएंगे। आयो 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 चक्की दिसदा कख नहीं पिया यार, मैं करा ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਭੀ ਇਨ ਸਭੀ ਕੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੇਟ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਅਭੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਆ ਤੀਨਾਂ ਕੱਲੂ ਹੈ ਨਾ, कल आना आना लेक्चर नहीं मिस करना, अगले हफ्ते की कोई गारंटी नहीं, इस हफ्ते पूरा आना का। हाथ मिला ले यार, तू मुझे ना ताव दे ही ना, चेता भूल जाना। चंगा भाई, ये देखो यार क्या किया पड़ा है कॉलेज के बाहर ना, ऐसे मेन एंट्री के पास अभी जगह कूड़ा जो वगैरह फेंका पड़ा है यार, पता नहीं क्या करते हैं लोग। ऐसे गुजरते वक्त ना इतनी ज़्यादा स्मेल आती है ना, इतनी ज़्यादा बदबू आती है ना, तो मतलब कंट्रोल नहीं होता, पता नहीं यार लोग क्या करते हैं ऐसे। तो यार कॉलेज है, कॉलेज के बाहर ही ऐसे फेंका तो अच्छा नहीं लगता यार। चलो खैर, अभी 6 बज चुके हैं और कॉलेज तो आ गया, तो और अभी सो के उठाऊँ, खाना पीना भी खा लिया था, और आके इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सबसे पहले तो नहाना पड़ा मेरे को, तो इतने से गीला हो गया था ना पसीने से, भीग गया था पूरी तरह। तो फिलहाल अभी इधर पीछे ट्रेनिंग चल रही है, तो जैसे कि मैंने पिछले एक ब्लॉग में शायद मैं बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पंगे लिए हुए हैं, तो वैसे अभी मैं स्टार्ट किया है मैंने। तो स्टार्टअप वैसे मैं 2 साल पहले किया था, अभी कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा उस चीज़ पर, लेकिन करूँगा आगे। डायरेक्ट सेलिंग जो है बढ़िया चीज़ है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो बता सकते हो मेरे को, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो मेरे को बता सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर बैठे हैं, और एक चीज़ बताता हूँ आपको, वो देखिए सामने बंदों की हत्या की जा रही है, शरेआम मेरा भाई मोर्चे पे बैठा हुआ है, बंदा बंदा बंदा। तो मेरा भी दिल कर रहा है यार अभी मैं पबजी ज्वाइन कर लूँ, टेंशन वगैरह लेने से बेटर है ना, तो चुप करके पबजी वगैरह ज्वाइन कर लो, और जो जितना भी गुस्सा है ना उसमें निकाल दो, क्योंकि बंदे बंदे को मार के आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी 10 बज चुके हैं और खाना तो खा लिया मैंने, और बुआ जी इधर खाना खा रहे हैं और भाई फिर से पबजी खेल रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं करने जा रहा हूँ ब्लॉग एंड, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक लिए बाय बाय, सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। होया की जे तू मैं तो दूर हो ग
चूरो चूर हो गया मेरे नाल रंगी परछाई रे आई।